हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम लाइफ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो एक पार्टी है, इससे मैंने पहले दो तीन वीडियो हॉप के ऊपर बना रखी हैं ऑलरेडी, तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लें कि मैंने पहले क्या कौन कौन से हॉब्स जो हैं यूज़ किए हैं और उनके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, मुझे उनमें क्या अच्छा लगा, क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कौन सा हॉब वर्स्ट था, तो इन सब के ऊपर मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं। लेकिन जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे बेस्ट हॉब लगा, बेस्टेस्ट हॉब लगा, तो उस बारे में है। एंड बस मैं जल्दी से, मेरे पीछे ही है जो हॉब बेस्ट है। तो इसका ना मुझे हो गए 2 मंथ्स हो गए इसे यूज़ करते हुए, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये जो हॉब है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा, मुझे बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस ब्रांड के एंड ऐसे वाले जो हैं हॉब टॉप जो ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जल्दी से अभी हॉब के ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ हॉब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एंड ये है फेबर ब्रांड का हॉब है। तो ये हॉब नहीं है एक्चुअली, ये ना बेसिकली एक कुक टॉप है, जो हमारे नॉर्मल चूल्हे होते हैं ना घर में, वही है ये। लेकिन इसकी जो लुक है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली हॉब के जैसी है। आपको फर्स्ट जब आप किचन में एंटर करते हो तो आपको देखने में ऐसा ही लगेगा कि ये एक हॉब है, बट एक्चुअल में ये एक कुक टॉप है, बस जिसकी लुक है हॉब की तरह दे दी गई है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके जो फीचर्स की, जो मुझे अच्छे लगे इसके फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर तो है इसका कि इसकी जो हाइट है ना, बिल्कुल ही स्लीक है, ये बिल्कुल भी ऊंचा नहीं है। तो आम नॉर्मली जो कुक टॉप होते हैं तो ये इतना सा ही इसकी हाइट है ऊपर। जो नॉर्मली कुक टॉप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं और उनके नीचे स्पेस काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ होता है, लेकिन इसके नीचे बस इतने से ही हैं जो स्टड्स हैं, तो स्पेस है बस इतना ही, हमारी फिंगर से एंटर होने जितनी स्पेस है। तो ये एक अच्छी बात है, इससे क्या है कि किचन की जो लुक है काफ़ी नीट एंड क्लीन लगती है, ज़्यादा ऊपर नहीं होता, तो अच्छा लगता है, लुक हॉब के जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हमने हॉब रखा हुआ है। तो जो सेकंड इसका मेन पॉइंट है, तो इसका लुक बिल्कुल ही इन्होंने हॉब के जैसे बनाया है। जो इसके नॉब्स हैं ऑन ऑफ करने वाले, वो भी ऊपर की ओर दिए गए हैं। आप देखोगे कि जो कुक टॉप होता है उसके नॉब्स यहाँ पे लगे होते हैं, लेकिन इस वाले कुक टॉप के जो है नॉब्स यहाँ ऊपर जो जैसे हॉब के होते हैं वैसे दिए गए हैं, तो इससे पूरा एक इल्यूजन बनता है कि ये हॉब है। तो सेकंड थर्ड जो इसका बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इसका जो रिम्स है ना नीचे, तो ये पार्ट है ये इसका ना ब्लैक कलर में है। आम आपने मोस्ट ऑफ द जो कुक टॉप एंड हॉब देखे होंगे उनमें ये स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या प्रॉब्लम होती है, स्टेनलेस स्टील में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ना क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। अगर थोड़ा सा भी चाय का पानी गिर जाए या दूध गिर जाए थोड़ा सा भी, तो वो जल जाता है। तो जब जल जाता है तो उसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन जो ब्लैक है, इसके ब्लैक होने की वजह से ना, जो इसका जो जैसे कि अभी ये ऐसा है, अभी थोड़ा सा चाय का पानी गिरा हुआ है तो मैंने इसीलिए ये रखा था आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दाल का चाय का पानी है, तो लेकिन अगर हम इसे दूर से देखें तो ये ऐसे मैसी नहीं लगता, ये काला नहीं पड़ता, बिकॉज ये ऑलरेडी काला है। तो मेरा होल पॉइंट क्या है समझाने का, कि ये ब्लैक है तो थोड़ा सा लुक नीट लगता है, तो ये जल के वैसे स्टेनलेस स्टील में ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जल के वैसे नहीं होता। तो ये वाले बर्नर दोनों जो मेरे मोस्ट यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 2 मंथ हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए, तो ये वाले दोनों मोस्ट यूज हैं। तो ये अभी न्यू है, इसे मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए इसका जो है बिल्कुल प्रॉपर जैसा इसका पड़ा है, लेकिन ये थोड़े से जब यूज़ करने के बाद हो जाते हैं ना रफ, वैसे हो गए हैं। तो अब मैंने इसके ना आपको प्रोज जो हैं सारे शेयर कर दिए, तो अब मैं कॉन के बारे में बात करती हूँ कि इसके मुझे जो अच्छा नहीं लगा बात वो क्या है।
ओके, तो सबसे पहला ये कौन है कि ये थोड़ा सा ना हैवी है, मतलब उठाना इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हमने नीचे से क्लीनिंग करनी हो तो आपको एक पूरा टफ टाइम लगता है इसे उठा के क्लीन करने में, बहुत ही ज़्यादा हैवी। एक हाथ से तो मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। ओके, तो फर्स्ट जो कौन है वो ये है। सेकंड जो इसका कौन है वो ये है कि ये जो ब्लैक है ना, मतलब वैसे तो सारे कुकटॉप ब्लैक होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाला ब्लैक है ना, ये डस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब मैं इसे जितना भी क्लीन कर लूँ तो ऐसे वाले जो है ना वाइट वाइट थोड़े डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा दिखते हैं। तो वैसे तो क्लीन लगता है दूर से, लेकिन फिर भी मतलब ना थोड़े से डस्ट पार्टिकल इससे जाते ही नहीं है, ऐसा है थोड़ा सा। और जो इसका थर्ड कौन है जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा लगा वो ये है कि इसके जो नॉब्स हैं इसमें ना लाइटर नहीं है, तो हमें लाइटर अलग से यूज़ करना पड़ता है, वो नॉर्मल वाला जहाँ फिर आप मैच स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे मोस्ट ऑफ द कुकटॉप में अभी इनबिल्ट लाइटर आता है, ऐसे ऑन करके वो ऑन हो जाता है, लेकिन इसमें ये फीचर नहीं है, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज दो साल के बाद वैसे भी वो ख़राब हो ही जाते हैं, हमें नॉर्मल लाइटर ही यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसमें वो है ही नहीं फीचर। ओके, तो सॉरी, एक मैं इसका और बात बताना भूल गई, ये है कि जो इसका ना बर्नर का अंदर का पार्ट है वो ऐसा है, बिल्कुल ही सिंपल एंड क्लीन। ओके, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें क्लीन करने में दिक्कत आए। अगर कुछ भी गिर जाता है, दूध बॉयल हो जाता है, चाय बॉयल हो जाती है, सबसे पहले तो इसके जो रिम्स हैं इतने ज़्यादा बड़े हैं साइड से, मतलब ऊंचा है, कि कुछ भी गिर जाए इसके अंदर नहीं जाएगा, बर्नर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर मान लो 1-2% चांसेस है, कुछ ज़्यादा ही हो गया तो स्पिल हो गया तो आपका अंदर चला गया, अगर अंदर चला गया तो आप बिल्कुल एक कपड़े के साथ इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हो, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। नॉर्मली हॉब्स में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ना पार्ट्स जो बने होते हैं तो उसमें क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल कुकटॉप के जैसा है, तो इसमें क्लीनिंग करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, सो एक और इसका जो बेस्ट पार्ट ये है, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है फेबर का, इसमें क्या है कि अगर हम ऊपर बर्तन रख लेते हैं तो मैं किचन में फ़ैन जो है फुल स्पीड के ऊपर मतलब चला के रोटी बना लेती हूँ, बिकॉज इसमें ना जो ये साइड्स हैं वो थोड़ी सी ना ऐसे ब्रॉड हैं, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर है, जब ऊपर इसके तवा या कुछ भी आ जाता है तो जो हवा है वो नीचे से इसके अंदर नहीं जाती, तो इसलिए फ़ैन ऑन करके इसमें कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिकॉज हवा बिल्कुल भी हमारी फ्लेम को टच नहीं करती। तो वो एक बेस्ट पार्ट है, एंड ये सारे थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मुझे ये कुकटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने आज तक पूरे 6 कुकटॉप एंड हॉब्स यूज़ किए हैं, उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो ये है। एक तो इजी टू क्लीन है, क्लीनिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं आती, बिकॉज इसके साइड्स ना बिल्कुल ऐसे राउंड है, तो हमने जब कपड़ा फेरना होता है तो ऐसे हम पूरा घुमा सकते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है इसकी क्लीनिंग करना, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका जो भी सिमिलर प्रोडक्ट होगा उसका लिंक मैं परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप इसकी पिक्चर देख लें, अगर आप मार्केट से जाकर परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने भी लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है, और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 14,000 or 15,000 के अराउंड समथिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ भी लाइक नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।